नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाकर आप लोग को जानकारी दिया था कि यहाँ पर जो है पेंशन, नल कनेक्शन, राशन कार्ड आवेदन के लिए जो है यहाँ पर मांग की गई है। तो फाइनली जो है यहाँ पर राशन कार्ड का आवेदन जो है यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पर जो है ये आवेदन शुरू किया गया है, यहाँ पर जो है सारा जानकारी जो है इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप देने वाला हूँ। एवं जो राशन कार्ड के रिगार्डिंग जो है जो आवेदन किया जाता है वहाँ पर जो है नाम छोड़ दिया जाता है। जैसे में 10 मेंबर है, एक फैमिली में 10 मेंबर है, 8 मेंबर है, जिसमें से जो है 2 या 3 मेंबर का नाम जो ऐड किया जाता है, ऐसे 5-6 मेंबर का नाम जो है छोड़ दिया जाता है। इसी के संबंध में और राशन कार्ड आवेदन के संबंध में जो है सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो सारा जानकारी जो इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुँच सके। और अभी तक सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटे जाएगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, आप लोग जान सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्ति निरीक्षक नहीं मिलते राशन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल। देखिए यहाँ पर जो ये बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर देखिए जागरण संवाददाता चील कहर बलिया रसरा तहसील पर पूर्ति निरीक्षक के नहीं मिलने से राशन कार्ड से वंचित लोगों को कार्ड बनवाने में मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। उनकी मनमानी से कोटेदार भी परेशान है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जागरण संवाददाता चील कहर बलिया यानी कि जो है रासरा तहसील पर जो है पूर्ति निरीक्षक के नहीं मिलने से जो है यहाँ पर राशन कार्ड से वंचित लोगों को जो है कार्ड बनवाने में जो है काफ़ी मुश्किलों की जो है सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो राशन कार्ड का आवेदन जो है वहाँ पर शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए चील कहर ब्लॉक में एक बाहरी व्यक्ति से राशन कार्ड चढ़वाने का कार्य कराया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है जिसका नाम जो है छूट गया है राशन कार्ड में से, देखिए यहाँ पर जो है चील कहर ब्लॉक में जो है एक बाहरी व्यक्ति राशन कार्ड चढ़वाने का जो है कार्य कराया जा रहा है। वही विभाग की हालात यह है कि आकरण ही ग्राम पंचायतों में यूनिट काट कर कम कर दिया जा रहा है। इससे पात्र व्यक्तियों को बार बार राशन कार्ड में ऑनलाइन यूनिट चढ़वाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग को मालूम होंगे, आप लोग को पते होंगे कि यहाँ पर किसी फैमिली में जो है 8-10 मेंबर है, उसका जो है राशन कार्ड में 2 या 3 या 4 मेंबर का नाम ऐड किया गया है, 3 या 4 मेंबर का नाम जो है छोड़ दिया गया है। इसको लेकर जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर जो है विभाग के उच्च अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के लोगों ने इस ओर जिला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग की है, यानी कि जो है विभाग के उच्च अधिकारी जो है इस पर जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्षेत्र के जो है लोगों ने इस ओर जो है जिला अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए जो है यह मांग की है कि किसी भी राशन कार्ड से नाम कम करने से पहले विभाग इस बात की पड़ताल जरूर करे, यानी कि जाँच पड़ताल जरूर करे कि उसके फैमिली में कितने मेंबर है और कितने मेंबर जो है राशन कार्ड पर एड किया गया है। आप लोग पते होंगे कि यहाँ पर जो है 10 जैसे में 8 मेंबर है किसी फैमिली में, तो उसका जो है 3 या 4 मेंबर का जो है नाम ऐड किया गया है और 4 या 5 मेंबर का नाम जो है छोड़ दिया गया है। इसी के संबंध में जो है विभाग के उच्च अधिकारी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पर क्षेत्र के लोगों ने जो है इस ओर जिला अधिकारी का ध्यान को जो है आकृष्ट करते हुए जो है यह मांग की है कि किसी भी राशन कार्ड से नाम कम करने पर जो विभाग इस बात की जो है सबसे पहले जाँच पड़ताल जरूर करे, संबंधित व्यक्ति पात्र है या अपात्र है बिना जाँच किए किसी भी व्यक्ति का नाम काटना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले तो ये जांच कर लेना चाहिए कि यहाँ पर जो है लाभार्थी जो है पात्र है या अपात्र है। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है कि यहाँ पर जो है राशन कार्ड में जो है नाम ऐड करने का जो है यहाँ पर मांग उठाया है और यहाँ पर जो है नाम ऐड किया जा रहा है और नए राशन कार्ड के लिए जो है आवेदन भी यहाँ पर लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आवेदन जो है राशन कार्ड के लिए जो है शुरू कर दिया गया है। अगर आप भी नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप जो है अपने ब्लॉक RTPS काउंटर से जो है आप नए राशन कार्ड के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो के आई बटन में लिखे वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं और अपना जो है डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं और फॉर्म को जो है फिलअप करके आप अपना RTPS काउंटर पर जो है जमा कर सकते हैं और अपना नया राशन कार्ड के लिए नया राशन कार्ड बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए।